राजस्थान के खिलाफ एनगिडी ने दो गेंदों में दे दिए 27 रन, फिर बनाया यह शर्मनाक रिकॉर्ड। आईपीएल 2020 का दूसरा मुकाबला चेन्नई के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के लिए बेहद निराशाजनक रहा। पहले मैच में 3 विकेट लेने वाले एनगिडी ने मंगलवार को राजस्थान के खिलाफ जमकर रन लुटाए और अपने साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड जोड़ गए। एनगिडी का आखिरी ओवर उनके लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ। उन्होंने 20वें ओवर में कुल 30 रन खर्च कर डाले। इसके साथ ही वे आईपीएल इतिहास में सबसे महंगा 20वां ओवर करने वाले गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए। उनसे पहले यह कारनामा 2017 में अशोक डिंडा और इसी साल क्रिस जॉर्डन ने किया। इन दोनों गेंदबाजों ने भी अपने आखिरी ओवर में 30 रन खर्चे थे। राजस्थान के खिलाफ शारजाह में खेले गए मैच में चेन्नई के इस तेज गेंदबाज ने शुरुआत के 3 ओवरों में शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 3 ओवर में 26 रन देकर संजू सैमसन का एक महत्वपूर्ण विकेट भी अपने नाम किया था। हालांकि 20वें ओवर में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, जब जोफ्रा आर्चर ने उन्हें 4 गेंदों में 4 छक्के जड़ दिए। इतना ही नहीं, एनगिडी ने सिर्फ 2 गेंदों में ही 27 रन दे दिए थे। दरअसल एनगिडी की पहली 2 गेंदों पर आर्चर ने 2 छक्के जड़े, फिर उन्होंने 2 नो बॉल फेंकी, जिसके बाद फ्री हिट पर भी आर्चर ने 2 छक्के जड़ दिए। इसके बाद एनगिडी ने एक वाइड फेंक दी, हालांकि उन्होंने फिर थोड़ी वापसी की और अगली 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए। एनगिडी ने अपने 4 ओवर के कोटे में 56 रन दिए और एक विकेट लिए। इसमें उन्होंने एक ही ओवर में 30 रन दे दिए।